लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सीनियर फैंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। तब ये देखकर लुशन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि इस ड्रैगन ने बच्चे ने सीनियर फैंग को डिफीट कर दिया। और फिर लुशन अब मुस्कुराते हुए कहता है कि मोनजी लगता है तुम्हारा नेक्स्ट अपोनेंट मैं हूँ। तब ये सुनिए मोनजी अब थोड़ा गुस्से में कहता है कि बाशर्ट क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा अपोनेंट बनने के लिए वर्दी हो? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे से कीड़े को मैं अभी मसल देता हूँ। और ये कहते हैं मोनजी बहुत ही फास्टली सीधे लुशन के पास पहुँच जाता है, मगर लुशन भी तुरंत लाइटिंग स्पीड का यूज करते हुए पीछे खिसक जाता है। तब ये देखकर मोनजी कहता है कि वो तो तुम्हारे पास थॉर बॉडी टेक्निक भी है, ठीक है अब तुम्हें खत्म करने के बाद ये टेक्निक मैं तुमसे छीन लूंगा। जिस पर अब मोनजी के पास को देखते हुए लुशन अपने मन में कहता है कि यकीनन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आखिर क्यों उसने तीनों जनरल और सीनियर फैंग को भी डिफीट कर दिया। तब मोनजी अब चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है कि शेंग फैंग को मैंने डिफीट कर दिया, इसलिए जो लोग बचे उन सबको तुम लोग जल्दी से निपटा दो। जिसे सुनते ये लोग अब सीधे सीनियर फैंग की ओर देखते हैं और देखते हुए कहता है कि ये तो सच में डिफीट हो गया। तब ये घोस्ट बियर कहता है कि मोनजी अब बस तुम उस बच्चे को संभालो, हम लोग इधर संभाल लेंगे। जिस पर मोनजी अब हंसते हुए लुशन से कहता है कि देखो बच्चे अब सिर्फ मैं और तुम ही बचे हैं, मगर मैं तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोग्रेस देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। अगर तुम ऐसा करो कि खुद से मुझे थॉर बॉडी टेक्निक दे दो और शेंग फेंग का सर उसके बॉडी से अलग कर दो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। इतना ही नहीं, अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें अपने ड्रैगन डीमन पैलेस में एंट्री दिलवा दूंगा। यकीन मानो ड्रैगन डीमन पैलेस को ज्वाइन करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। जिस पर लुशन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे ड्रैगन डीमन पैलेस को ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें अपना खुद का सर काट के मेरे सामने पेश करना होगा। तब ये सुनिए मोनजी बहुत ही गुस्से में कहता है कि विजिलेंस बास्टर्ड तुम्हारी ये मजाल। और इतना कहते ही मोनजी फिर से अपने अटैक के साथ लुशन की ओर बढ़ जाता है। तब इसकी ओर देखते हुए लुशन कहता है चलो ये ड्रैगन का बच्चा तो फंस गया। जिस पर अब लुशन इतना कहता है जैसे मोनजी लुशन के पास आता है तब लुशन एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए प्लग झपकते यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। जिस पर अब मोनजी कहता है कि वो सेड में इसके शाल में कैसे फंस गया। तब लुशन अब मोनजी सामने ही अपने पांचवे लेवल के दो दो स्पेशल स्पेल को क्रिएट कर लेता है। जिस पर मोनजी भी अपने अटैक्स को क्रिएट करते हुए कहता है चलो आ जाओ। जिसके बाद अब लुशन और मोनजी के अटैक के बीच टक्कर होती है। तब इस टक्कर की वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और मोनजी घिसटता हुआ पीछे चला जाता है, मगर इसके बावजूद ही मोनजी कोई खास इंजरी नहीं आई हुई होती है। तब ये देखकर लुशन बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि क्या आखिर मेरे लेवल 5 की स्पेशल स्पेल से भी इसे थोड़ा सा भी डैमेज क्यों नहीं हुआ। जिस पर इधर मोनजी भी बहुत ही गौर से लुशन को देखते हुए कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि अभी भी इस लड़के ने ब्लैक आर्मा को डिफीट किया है, इसका मतलब ये भी एक स्पिरिचुअल मास्टर है। और अब मोनजी लुशन से कहता है कि मेरे सामने ये छोटे मोटे ट्रिक नहीं चलने वाले। तब लुशन भी अपने थॉर बॉडी टेक्निक को कम्प्लीटली एक्टिव करते हुए कहता है कि तुम जैसे लोगों के लिए मेरे ये छोटे मोटे टेक्निक ही काफी है। जिस पर मोनजी अपने ड्रैगन पंच को अपेयर करते हुए कहता है कि ठीक है फिर संभालो इसे। तब मोनजी इतना कहता है ये दोनों ही अपने अपने पंच साथ एक दूसरे की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ पर लुशन से पहले मोनजी अपने पंच को लुशन के गाल में जड़ देता है। तब इसके बैट से लुशन बहुत ही पीछे हटता हुआ दूर जाके गिरता है। जिस पर मोनजी अब हंसते हुए कहता है कि यूजलेस तो यूजलेस ही रहेंगे। तब इधर हम देखते हैं कि लुशन खुद को संभालते हुए फिर से खड़ा हो जाता है और फिर मोनजी को साथ हुए कहता है कि क्या बस इतना ही दम है। जिस पर मोनजी हंसते हुए कहता है कि वो तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। और इतना कहते ही मोनजी सीधे अपनी जगह से गायब हो जाता है। तब लुशन इसकी ओर देखते हुए कहता है कि वो नहीं ये तो बहुत ही फास्ट है। जिस पर मोनजी अब सीधे लुशन कुछ रिएक्ट करने से पहले उसके पास पहुंच जाता है और फिर एक बहुत ही जोरदार किक लुशन को दे मारता है, जिसकी वजह से लुशन गिरते पड़ते किसी तरह से खुद को संभालता है, जिसके बाद तुरंत ही एक अटैक को क्रिएट करते हुए इसे सीधे मोनजी के ऊपर बरसा देता है। लेकिन इस अटैक को तो मोनजी हंसते हुए झेल लेता है और फिर से अपनी जगह से गायब होते हुए लुशन को अब बहुत ही बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। जिसे देखते हुए ताइशेंग कहता है कि वो सीडी लुशन भी तो पीट ही रहा है। तब इस पिटाई को देखते हुए ताइशेंग को सीनियर फैंग की याद आती है और फिर ये भागता हुआ सीनियर फैंग के पास आते हुए कहता है कि शेंग फैंग क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद ताइशेंग सीनियर फैंग को अपने कंधे पे उठाते हुए कहता है कि यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग इस तरह से पिट रहे हैं, आखिर इतने कमीने लोगों से पंगा लेने के लिए डीन को किसने कहा था। और अब इसी तरह से झिल्लाते हुए ताइशेंग सीनियर फैंग को इस प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर ले आता है। तब मिस जून भागती हुई सीनियर फैंग के पास आती है, जिस पर ताइशेंग कहता है कि जून क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो। तब मिस जून कहते हैं इसने दो दो सुप्रीम लेवल के अटैक्स को झेला है, जिस पर ताइशेंग कहता है कि लेकिन ये मोनजी तो अभी सुप्रीम लेवल पे पहुंचा ही नहीं है। तब मिस जून कहते हैं कि भूलो मत इसके ड्रैगन डीमन पैलेस में ट्री कोई भी कमी नहीं है, अभी अगर मैं किसी तरह से फैंग को होश में ले भी आई तो उसके बावजूद भी ये फाइट नहीं कर पाएगा। जिस पर ताइशेंग कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, जरा ऊपर देखो मोनजी तब से लुशन को बिल्कुल कुत्तों की तरह पीट रहा है, अगर फैंग दोबारा फाइट में नहीं कूदा तो मुझे डर है कि वो इसी तरह से लुशन को पीट पीट के मार देगा। तब इधर अब हम इस यंग मास्टर को देखते हैं जो लुशन और मोनजी के फाइट को देखते हुए कहता है कि वो तो उस बच्चे का नाम लुशन है। जिस पर ओल्ड मैन कहता है हाँ वो गार्डन साइड का बिल्कुल एक फ्रेशर डिसाइपल है। तब यंग मास्टर कहता है कि बता तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा।
जिस पर ये ओल्ड मैन कह रहा था कि यंग मास्टर कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे, मोनिची को ये लड़का कभी भी डिफीट नहीं कर पाएगा, इस फाइट को ड्रैगन के बच्चा एक तरफा ही जीत लेगा। तब ये यंग मास्टर कह रहा था कि देखा अभी उस लूशन से धोखा खा गए, अगर वो लड़का लूशन कोई मामूली लड़का होता तो अभी तक मोनिची के हाथों से मारा जा चुका होता। मैं क्लियरली फील कर सकता हूँ इस लड़के में कुछ तो स्पेशल जरूर है। जिस पर अभी धर्म लूशन को देते हैं जो इतना पिट जाने के बावजूद भी खड़ा था और मोनिची को बहुत ही गौर से घूरता जा रहा था। तब मोनिची कहता है कि लड़के मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, तुम वो पहले पर्सन हो जो मेरे इतने कुटाई के बावजूद भी खड़ा है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आखिरी डील रखता हूँ, मुझे तुम अपना थोर बॉडी टेक्निक दे दो, मैं यहाँ से सबको जाने दूंगा। जिस पर लूशन कहता है कि अगर आज तुम अपने घुटनों पर बैठ के मुझसे माफी मांगो तो भी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब ये सुनिए मोनिची कहता है कि क्या कहा तुमने, जिस पर लूशन अब इसी टाइप की टेक्निक को एक्टिव करते हुए कहता है कि तुम नहीं बचोगे। तब लूशन ऐसा करते हम देखते हैं कि यहाँ का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है, ये ड्रैगन बच्चा चारों ओर से लूशन के स्पेलों से घिर जाता है, जिसे देखते हुए मोनिची कहता है कि आखिर तुमने ये क्रिएट कब किया। तब लूशन हंसते हुए कहता है कि जरा दो मिनट पीछे के फ्लैशबैक को याद करो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास लाइटिंग स्पीड होने के बावजूद भी तुम मुझे इस तरह से कभी पीट पाते, तुम मुझे पीटते गए और मैंने मौका देके तुम्हारे चारों ओर इन स्पेल्स को बिछा दिया, अब जैसा कि मैंने कहा कि तुम जिंदा नहीं बचोगे, तो चलो अब इस खेल को तुम्हारी मौत के साथ खत्म करते हैं। और लूशन इतना कहता है ये सारे स्पेल मिलके एक बड़े से फर्नेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जो मोनिची को बहुत ही बुरी तरीके से जगड़ना शुरू कर देता है। तब ये देखकर मिस जून बहुत ही खुश होती हुई कहती है कि फाइनली लूशन ने कर दिखाया, जिस पर ताशन कहता है कि सिचुएशन पे खुशी तो बहुत हो रही है लेकिन इसके साथ ही दुख भी हो रहा है कि आखिर ये मास्टर लूशन इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। और अभी ये यंग मास्टर हंसते हुए कहता है कि बताइए अब आपका क्या कहना है। तब ये ओल्ड मैन कहता है कि यंग मास्टर आप बिल्कुल सही थे, इस लड़के में वाकई में कुछ खास बात जरूर है। जिस पर यंग मास्टर कहता है जरा देखो उस मोनिची को किस तरह से एक बच्चे की ट्रिक में फंस गया, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बैटल में एक चींटी को भी वीक नहीं समझना चाहिए। खैर अब तो ये देखने वाली बात है कि क्या ये मोनिची इस स्पेल को ब्रेक कर पाता है। जिस पर अभी जरा मोनिची को देखते हैं जो इस फर्नेस की आग में झुलस रहा था, तब लूशन अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है कि नाउ बर्न इट डाउन, जिस पर लूशन इतना कहता है पूरे फर्नेस में आग फैल जाती है और इसी वजह से मोनिची को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है। जिस पर मोनिची अब बहुत ही गुस्से में कहता है कि लूशन मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब मोनिची इतना कहता है ये भी अपने एक स्पेशल अटैक का यूज करने लगता है, जिसे देखते ही लूशन भी अपने चार गॉड स्पिरिट में से एक माइटी फियोनिक्स का यूज करता है। तब इस स्पिरिट यूज करते हैं बहुत सारे फियोनिक्स सीधे मोनिची की ओर चले जाते हैं, जो यहाँ पे पहुंच के मोनिची के ब्लैक ड्रैगन को चारों ओर से नोचना शुरू कर देते हैं, जिस पर अब कुछ ही देर में ये सारी फियोनिक्स इस ड्रैगन का काम तमाम कर देते हैं। तब लूशन कहता है कि ड्रैगन के बच्चे उर्फ मोनिची तुम हार गए। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।